भारत में 25 मई तक कोरोना संक्रमण के 97% मामले खत्म हो जाएंगे। नमस्कार प्रणाम, हमें यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीएस न्यूज टिंकू के साथ। हाँ दोस्तों, 25 मई 1 अगस्त तक पूर्ण संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा कोरोना, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए सुधीर जी से। भारत में 25 मई तक कोरोना संक्रमण के 97% मामले खत्म हो जाएंगे। 4 जून तक यह संक्रमण 99% तक खत्म हो जाएगा और इसे पूरी तरह खत्म होने में 1 अगस्त तक का समय लगेगा। यानी 1 अगस्त तक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। इसी तरह पूरी दुनिया में 30 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। 16 जून तक यह 99% तक खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में 27 नवंबर तक का वक्त लगेगा पूरी दुनिया को। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका में 15 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो सकता है। वहां 27 मई तक 99% और फिर 5 सितंबर तक इस वायरस की पूरी तरह से अमेरिका से विदाई होने का अनुमान है। स्टडी के मुताबिक मई के महीने में 10 देशों में और जून के महीने में 11 देशों में कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जुलाई तक 22 और देशों में कोरोना संकट समाप्त हो जाएगा। वहीं सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 17 देश अगस्त के महीने के अंत तक कोरोना मुक्त हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ही होगा ये जरूरी भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी है और ये स्टडी कितनी सही साबित होगी ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भविष्यवाणी सभी देशों में कोरोना संक्रमण की स्टेज और स्थिति को देखते हुए महामारी के जीवन चक्र के अनुमान पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डेटा मिला है उस पर आधारित है, जिसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जो कोरोना संक्रमण के रोज बदलने वाले आंकड़ों के साथ बदलती रहेंगी। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या और पुराने मरीजों के ठीक होने की दर के आधार पर कोरोना खत्म होने की तारीख घटती और बढ़ती रहेगी। इस रिपोर्ट से एक बार फिर से बात साबित होती है कि हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ज्यादा पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे देश को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके आंकड़े भी देश के सामने रखे हैं। अब भारत के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है। 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिनों से नया मामला नहीं आया है। इस वक्त देश में संक्रमण के कुल दोस्तों आप लोगों ने रिपोर्ट, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोग एक वीडियो देखने के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, मास्क ना पहनना, एक दूसरे से दूरियां ना बनाना, ऐसा कदा ही नहीं करना है। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि अगर महामारी इस इंडिया से चला भी जाता है तो इस चीज़ का पालन आपको कई सालों तक करना पड़ेगा। जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग बनाकर रखना, ये चीज़ का पालन करना ही होगा। आप लोग जितना जल्दी आप लोग कीजिएगा ऐसा ही कार्य, अगर आप लोग डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और आप लोग जैसे सतर्क रह रहे थे वैसा ही रहना है अभी, तभी जाकर ये कोरोना महामारी हमारे इंडिया से दूर होगा। तो जय हिंद।